हेलो, अभी तक जाग रही हो? जी नींद नहीं आ रही थी। आप ठीक हैं? मत क्या करो मुझसे ऐसे सवाल, चिढ़ोती है मुझे। क्यों करती हो तुम मेरी इतनी फिक्र? क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता है, और जब तक ये रिश्ता कायम है आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। ये रिश्ता ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा, जानती हो ना तुम। जानती हूँ, मगर मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। घर वालों को तो तुमने बता दिया होगा ना कि मनाहिल मुझे छोड़ के जा चुकी है। नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी, और बाबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि उन्हें ऐसी कोई भी बात बताई जाए। मुझे लगा तुमने मजे ले लेके बताया होगा सबको, सारे घर वाले बहुत खुश हुए होंगे, खासकर मामा, वो भी बहुत खुश हुए होंगे ना मुझे गलत साबित होता देख। शाज़ेन, आप खुद ही सब क्यों तसव्वुर कर लेते हैं? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये बात आप खुद बाबा को फोन करके क्यों नहीं बताते? फिर देख लीजिएगा उनका रिएक्शन, वो दौड़ कर आके आपको गले लगा लेंगे। मुझे नहीं बात करनी उनसे, मर गया हूं मैं उनके लिए। उन्होंने गुस्से में कह दिया था। अच्छा, अगर उनसे नहीं करनी बात मत करें, मगर कामरान भाई, नौशीन भाभी, एक फोन तक नहीं किया उन्हें? उन्हें भी पराया कर दिया है आपने। शाज़ेन, आपको इस तरह घर से दूर तकलीफें सहते नहीं देखा जाता मुझसे। मुझे बहुत गिल्ट होता है। उस दिन आपके पीछे मस्जिद भी गई थी, मगर आप जा चुके थे। दिन रात दुआ करती हूँ कि आप घर वापस आ जाएं। तुम दुआ मत किया करो मेरे लिए, तुम्हारी दुआ मेरे लिए बद दुआ बन जाती है।